शजर पत्थर का जो काम ये अभी बिल्कुल धीरे धीरे बांदा में ख़त्म होता जा रहा है, इसकी वजह क्या देखते हैं? शजर पत्थर का जो काम है वो इस समय बहुत कम हो गया है। उसकी दो कारण हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसकी जो मार्केट है वो कोई मार्केट उपलब्ध नहीं है। मार्केट उपलब्ध ना होने के कारण से अगर बना हुआ माल कोई भी कारीगर अगर माल बेचने जाता है तो उसका माल बिक नहीं पाता, और वो चूँकि बिचौलियों के मार्फत से ही ये माल बिकता है, इस कारण से इसका मार्केट ना होना भी एक दिक्कत का कारण है। दूसरा ये है कि मार्केट इसका कोई उपलब्ध नहीं है, और जो भी हम लोग बना करके माल बेचते हैं वो बिचौलियों के बेचते हैं। बिचौलियों का मतलब एक्सपोर्टर्स हैं, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो इसको खरीदता है, दिल्ली बम्बई आगरा। एक्सपोर्टर का कितना कमीशन होता होगा इसे? नहीं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो तो इनको डॉलरों में बेचते हैं। मान लीजिए अब ये पीस है, इसको हम जो है 100 रुपये का एक पीस देंगे, अब वो इसको कहिए $100 में बेचते, कहिए $50 में बेचते। मतलब ये आप 100 रुपये में बेचते हैं? जी हाँ, ये अगर पैंडल पीस जो है 100 रुपये पर पीस के हिसाब से हम लोग उनको देते हैं, और वो भी जो है इसमें बहुत छटनी करके लेते हैं। जी, सारे पीस नहीं लेते? सारे पीस नहीं लेते, वो अपने हिसाब से। अगर हमने 200 पीस की पुड़िया ले गए तो कहिए 50 पीस ले लें, 20 ले लें, 75 ले लें। जी, पूरे माल नहीं लेते जी। जो रहती है बच जाता है उसको हम लोग बहुत मुश्किल से बेच पाते हैं जी। तो ये कई कठिनाइयाँ हैं। तो ये आमतौर पर किस काम आ रहा है ये? नहीं, ये तो मैं ताजमहल बना रहा हूँ। नहीं, ये जैसे वो एक्सपोर्टर जो खरीदते हैं वो किस काम में इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं? वो तो विदेशी अपने हिसाब से लॉकेट बनवाते हैं, पेंडल्स है, रिंग्स हैं, हार सेट है, नेकलेस है, शो पीस है, कई चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहले तो कारोबार अच्छा था यहाँ पे? नहीं, पहले बहुत अच्छा कारोबार था। ये कब की बात है जब अच्छे दिन थे इसके? जब बहुत अच्छा दिन थे इसके तो सन 1975-76 के आसपास बहुत अच्छा था। इमरजेंसी के बाद फिर कुछ कम हुआ जी। फिर इसके बाद एकदम इसका कारोबार बहुत आगे बढ़ा। बांदा में करीब 80-90 कारखाने हुआ करते थे, और मेरे ख्याल से हर मोहल्ले में बांदा नगर के 2-4 कारखाने लगे थे। वर्तमान समय में केवल 4 कारखाने हैं, वो भी हम लोग अपना जीवित किए हुए हैं। सजा बाकी 3 लोग कौन हैं? एक डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट हैं, हरिमोहन तिवारी हैं, उमेश कुमार सैनी, और चौथा मैं प्रसाद सिंह। ये 4 लोग ही हैं। तो सजर क्यों कहते हैं इस पत्थर को? इस पत्थर की जो सजर इसलिए कहते हैं, ये क्योंकि एक डेंड्राइट एगेट है, हकीक बोलते हैं इसको। हकीक? हकीक पत्थर जी। हकीक में चूँकि पेड़ पौधों की आकृति निकली हुई है जी, इसलिए इसको सजरी हकीक कहते हैं। क्योंकि सजर एक फारसी शब्द है, और छोटे पेड़ पौधों को सजर बोलते हैं जी फारसी में जी। तो ये आज से करीब 400-500 वर्ष पुराना उद्योग चला आ रहा है जी। जब इसकी आज तो हम लोगों ने मशीन आयात कर ली है जी। उस समय कोई मशीन नहीं थी, हम लोग हाथ से कटिंग खूंटे में तार के द्वारा बांध करके जी, और धनुष बाण की तरीके स्टील वायर लगा करके कटिंग करते थे जी। तब से और आज तक जी, अभी भी बड़ी टुकड़ियां जो है उसी तार से ही कटती हैं। छोटी टुकड़ियां ज़रूर मशीन हम लोगों ने ऐड कर दी है, तो मशीन से कटने लगी हैं जी। तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है इस काम में, क्योंकि इतना हार्ड स्टोन है ये कि नीलम और पुखराज के बाद दूसरे नंबर पर हार्डनेस है इसके 7.6। तो हार्डनेस के कारण इस उद्योग में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, कटिंग में भी समय लगता है, पॉलिश में भी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बार इसमें पत्थर में पॉलिश हो गई तो इसकी कभी पॉलिश जाती है, जैसे नीलम और पुखराज की भी पॉलिश कभी नहीं उतरती, उसी तरीके इस पत्थर की भी पॉलिश नहीं उतरती। लेकिन इसमें जो आकृति बनी हुई है तो नेचुरल है ना इसमें? जी हाँ, इसमें जो भी आकृति बनी हुई है ये नेचुरल है जी। इस पत्थर के अंदर से निकलती है, फिर उसको हमने ऊपर की परत घिसाई करते हैं जी। फिर इसकी सिलेक्ट कटिंग करके इसको शेप दे करके जी उस आकृति में ला देते हैं और पॉलिश कर देते हैं। जैसा मैं सजर के लिए बताया कि फारसी का शब्द है, तो क्या इसका इस्लाम से भी कुछ ताल्लुक है क्या पत्थर का? नहीं, क्योंकि इस्लाम से ताल्लुक तो है ही है ये क्या? और इस्लाम हो या हिंदू धर्म में किसी धर्म से भी जोड़ लीजिए, क्योंकि कुदरत की एक
नया चित्रकारी है और नया तोहफा है, क्योंकि कहते हैं कि बांदा में होती है सिर्फ ये, केवल बांदा। और नाम जो इसका है वो पारसी है, सजर। हाँ। तो क्या कुछ रिश्ता है क्या इसका पीछे? नहीं, असलत पर मुस्लिम भाई ज़्यादातर इसको लाइक इसलिए करते हैं कि कुदरत का दिया हुआ तोहफा है, इसलिए ईरान, इराक, सऊदी अरब और फ्रांस, मतलब ये जहाँ मुस्लिम कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं। तो ये सब बांदा से जाती है? सब बांदा से जाते हैं, जो भी हज यात्री यहाँ से या विश्व के किसी भी कोने से हज करने जाते हैं जी, वो सजर ज़रूर ले कर के आते हैं, क्योंकि उसके पीछे मैंने देखा इस सजर के पीछे ये जो खाली प्लेन पत्थर रहता है इसमें वो उर्दू से फारसी की और कहिए कुरान की जो आयतें हैं जी वो इसमें लिखते हैं। इतना सजर वहाँ पहुँचा कैसे? दुनिया भर के लोग पत्थर वो उठा के लाते हैं? नहीं नहीं नहीं, बना हुआ सजर यहाँ से जाता है। तो ये वहाँ गया जी? तो इतनी मात्रा में अगर ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तभी तो वहाँ से इतने सारे लोग खरीद के ला रहे हैं जी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कारोबार तो बिल्कुल डूब गया है? कारोबार डूबने का मतलब है कि हमारे पास जो बिचौलिए हैं, यानी कि हमने आपको ये सजर बेचा 100 रुपए का, आप एक्सपोर्टर्स हैं, आपने इस माल को 50 रुपए $50 में आप बिल्कुल बड़ी कीमत में बेच दिया, ठीक है, या सऊदी अरब वाले किसी भी व्यक्ति को बेचा, तो उसमें हमें थोड़ी इसका प्रॉफिट। आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते आप सीधा वहाँ बात कर बिचौलियों को छोड़ के? नहीं, हम लोगों को उसका मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, अगर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना भी चाहें तो एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, फिर उसकी ड्यूटी नहीं है, फिर अगर हम एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना चाहें तो 25,000 रुपये सालाना की उसकी फीस है। अब हम सालाना फीस रिफंड नहीं है, वो एक साल में 25,000 रुपये हम उसकी शुल्क जमा करें एक साल के लिए और कोई ऑर्डर नहीं मिला तो हमारे पास। लेकिन आप तो कह रहे बहुत बड़ा कारोबार है इसका पूरी दुनिया में, जो इस्लामिक पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा पहना जाता है तो इस्लाम के लोग जो हज करने जाते हैं वो ले जाते हैं, पूरी दुनिया से जो भी हज यात्री जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं वहाँ हज के लिए, तो वो ज़रूर सजर लेकर के आते हैं, ये मेरा मानना। तो सजर जो है वो सिर्फ बांदा के अलावा कहीं मिलता ही नहीं? नहीं, बांदा के अलावा कहीं नहीं पाया जाता इस तरह की सजर जिसमें पेड़ पौधों की आकृति। तो वो जहाँ से वो सजर खरीद के ला रहे वो सब यहीं का सजर जी है? क्योंकि आज से काम थोड़ी हो रहा है, ये तो 400 वर्षों से काम होता था। तो सारा पत्थर यहाँ से निकल के गया? जो भी गया, जिनके पास स्टॉक है जो भी है वो आज भी उन्हीं के पास है जी।